एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास नंबर 9 है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स डिफरेंस एंड समेट्रिक डिफरेंस से रिलेटेड हैं। हमने इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी। अब एज एग्जांपल इन क्वेश्चंस को हम ट्रीट करेंगे, जिसमें हमें सेट ए गिवन है, बी गिवन है और यूनिवर्सल सेट गिवन है। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव हों और इवन इंटीजर्स हों पर लेस देन 10 हों। बी में एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड हों पर वो भी पॉजिटिव हों और लेस देन 10 हों। उसके बाद ये दोनों ए एंड बी दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट पहले ये तीनों सेट्स जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन हैं, हम इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व करते हैं। तो सेट ए को अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, कौन से एलिमेंट्स हमें चाहिए? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। कौन से हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स? 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, इवन इंटीजर्स और पॉजिटिव, लेस देन 10, इसलिए हमने 8 पे स्टॉप किया। बी ऑड इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव हों पर लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज्ड। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, लेस देन 10 कौन से इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव हों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे स्टॉप करेंगे, बिकॉज हमें लेस देन 10 चाहिए। तो क्वेश्चन 9 को अगर हम सॉल्व करें, वी विल राइट सॉल्यूशन। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वी विल राइट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। वी नो, यू नो वेरी वेल, कॉम्प्लीमेंट में हम पहले जिस सेट पर कॉम्प्लीमेंट है पहले वो सॉल्व करेंगे। तो हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट से माइनस करें द गिवन सेट बी को, इसका मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम बी कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस बी लिख सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑड नंबर्स लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको हम लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने इन दोनों को यहाँ पे इक्वल माना है। वी विल राइट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, क्या करना होता है कॉम्प्लीमेंट में, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है इस सेट बी को। इट मींस ये पूरा सेट माइनस होगा इस यूनिवर्सल सेट में से। 1 यूनिवर्सल सेट में से माइनस होगा, 3 माइनस होगा, 5 माइनस होगा, 7 माइनस होगा, देन 9 वो भी यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा। क्या बचेगा? 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज, बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया। अब क्या करना है? बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करनी है सेट ए के साथ। सो वी विल राइट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सेट ए एलिमेंट्स कौन से हैं? इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, देन यूनियन सिंबल ब्रैकेट स्टार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट ये जो अभी सॉल्व की 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए एलिमेंट्स, सिंपली यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, पर सेट्स का ये रूल जहन में रखना है कि कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। सेम एलिमेंट वी नेवर राइट इन सेट्स। तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज आवर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 10, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सेम उसी तरह पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे,
फिर उसकी इंटरसेक्शन करेंगे सेट बी के साथ. सो वी विल राइट सॉल्यूशन. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से माइनस करें द गिवन सेट ए. तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह यू माइनस ए लिख सकते हैं. यू माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सेट ए एलिमेंट्स. दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए 2, 4, 6, 8 ब्रैकेट क्लोज्ड. इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बिकॉज हमने इनको इक्वल माना है. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या करना होता है कॉम्प्लीमेंट में, सिंपली यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है द गिवन सेट ए जिसकी हम कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं. इट मीन्स ये सारा सेट माइनस हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट में से. 2 माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल में से, 4 माइनस हो जाएगा यूनिवर्सल में से, 6 आल्सो सब्ट्रैक्टेड, 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. क्या बचेगा हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज्ड. सो हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड कर लिया, अब क्या करना है इस ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है सेट बी के साथ. तो हम ये फर्दर हम यहाँ सॉल्व करते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट जो ये हमने अभी सॉल्व की, क्या एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज देन इंटरसेक्शन देन सेट बी एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9 सेट बी के एलिमेंट्स. इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो नोट करेंगे हम. कॉमन एलिमेंट्स हम नोट करते हैं इंटरसेक्शन में. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज़ अवर आंसर.